2015 में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी और वो फिल्म सबने देखी है, इतनी बड़ी हिट हुई थी और उसके डायलॉग तक लोगों को याद है। उस फिल्म को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा था कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ। आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दृश्यम की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आज दृश्यम 2 की स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली गेस्ट को बुलाने के लिए। मुझे एक बड़ा खूबसूरत गाना याद आ रहा है क्योंकि वो जो आ रही हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की छई छप छई छपा के छई पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की छई छप छई छपा के छई। हाय तबू। ओहो मेरे को इतने गाने याद आते ना तब्बू जी को देख के। हेलो, मेरी जिंदगी के विलन कैसे हैं आप? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती भाई साहब। रकुल आ जाए, नोरा आ जाए, आज तब्बू जी आई, तब भी आप बीच में। मैंने भी आपका नाम लेना था। मतलब 12 दिसंबर को क्या हुआ था अमृतसर में? सुबह हुई थी, दोपहर हुई थी, फिर रात हुई थी। और आपकी शादी भी हुई थी। हुई होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी। और 10 दिसंबर और 1 फरवरी को क्या हुआ था? उस दिन भी सुबह जहाँ तक मुझे याद है दोपहर हुई थी, फिर शाम हुई थी, फिर रात हुई थी। और आपके बच्चे हुए थे। तो ये सब आज यहाँ बताने की क्या जरूरत है भाई साहब? क्योंकि तू समझ जाए कि शादी के बाद नो फ्लर्ट, फैमिली फर्स्ट। हम भी तो फैमिली है ना सर, ऐसे यही नहीं समझते ये। आपको पता है मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। आपको ये याद है 20 अप्रैल और 13 सितंबर को क्या हुआ था? मैं बच्चे हुए थे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप दूसरे शादीशुदा और 2 ही बच्चों के बाप का काम क्यों खराब कर रहा है? आपका क्या प्रॉब्लम है? फोकस ऑन तब्बू जी। तो मैं ये बोल रहा था तब्बू जी, पैंडेमिक में मैंने बहुत याद किया आपको। क्या बात कर रही हैं आप? अरे मतलब कुछ चीजें जो पैंडेमिक में बहुत मिस की हर इंसान ने जी। ये आपका शो इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आर रियली मिस। हाउ स्वीट तब्बू जी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। मेरी मम्मी भी आ गई है, आ जाओ। मम्मी बेटे के नाम पे शो, इसका मतलब ये नहीं जब मर्जी आ जाओ, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। तब्बू जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, आपको पता है? आपको देखते देखते बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ड्रंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो सकता है। ओह माय गॉड, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतनी नशीली आंखें आपकी। शादी से पहले मैं इतने बार आई हूँ शोज पे, आपने ऐसी कोई बात बोली मुझे? मन में था लेकिन क्या, शादी के बाद आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है। एकदम लाइसेंस मिल जाता है ना। लाइसेंस। अच्छा इनकी आंखें नशीली हैं? है उनकी आंखें नशीली हैं। और मेरी आंखों में गन्ने का जूस भरा हुआ है। वैसे तेरी आंखें भी नशीली हैं? मेरी आंखें नशीली हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है 6-7 हुए होंगे। 6-7 कहाँ हुए थे, हम रात को 2 बजे तक तो यहाँ शूट कर रहे थे। आपको पता है तब्बू का मतलब क्या होता है? तबस्सुम इनका पूरा नाम है। तबस्सुम का मतलब होता है स्वीट स्माइल, खूबसूरत मुस्कुराहट। आपको पता है पिछली बार जब आप आई थी ना हमारे दास दादा ने, ये देखो अभी भी कैमरा उनके हाथ में है, ये जो ब्लू शर्ट में, ये आपकी स्माइल देख के इनका शुगर लेवल बढ़ गया, कंट्रोल ही ना आए। फिर मैंने बिना मेकअप के अर्चना जी दिखाई इनको, उसके बाद मैं ये
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये हमेशा बिना मेकअप के बैठती हैं। वैसे इतनी प्यारी लगती है, आपकी जरूरत नहीं है। और तब्बू जी, दास दादा को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नहीं। जैसे आपने चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट किया, भारी पड़ा। दास दादा की स्माइल, दास दादा स्माइल दिखाओ। अरे ऐसे दिखाओ, स्माइल देखो आप। दास दादा पहले ऐसे आदमी है, इनका मुंह बंद भी होना तब भी आप इनको खिचड़ी खिला सकती हैं। वैसे मेरे नाम का मतलब पता है आपको? हाँ, अजय मतलब जो किसी गरीब को फ्लर्ट ना करने दे। और कपिल के नाम का मतलब? कपिल के नाम का मतलब, कपिल का मतलब आंटी क्या है? मतलब इन्होंने आज तक मुझे कपिल बोला ही नहीं है। बताओ मम्मी मेरा नाम क्या है? बोलती हूं। ये सब बातें नहीं बतानी। कपिल कैसे बोलते हैं आप बताओ? हाँ जी, कपिल। शुक्र है, कपल बोलती है हमेशा मेरी मम्मी। तो पंजाबी, पंजाबी कपल ही बोलते हैं ना। कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब हैंडसम, जुड़वे, जो हर एक के साथ कपल बनाने की कोशिश करता है। तबू जी, आप तो इनको कॉलेज के टाइम से जानती हैं। ये शुरू से ऐसे थे, मतलब खुद तो हिरन से बात नहीं करते, दूसरे को भी नहीं करने देते। I swear, correct. बट आपको किसने बोल दिया कि मैं बात नहीं करता? तबू जी सीरियसली बताओ ना, आपने अजय सर को फुल ऐसा जैसे अर्चना जी हंसती हैं ऐसा हंसते हो कब देखा था लास्ट टाइम? कोई तारीख याद है आपको? कभी नहीं। हंसता हूं मैं भी। हंसता हूं मैं भी। ये हंसाते ज्यादा है, हंसाते ज्यादा है और खुद मन में हंसते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आइए। बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, आइए। आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ वीडियो डालते हैं, आपको पता नीचे हमारी जनता बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। हाँ। बड़े विट्टी हो गई हिंदुस्तान की जनता हमारा शो देख देख के। आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स। तब्बू मैम ने ये फोटो डाला है, #ooty #trains #journey#golmaalagain। वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं। सच्ची है, विदाउट टिकट चढ़ने के बाद टीटी इस लुक से मान जाता है क्या? उसको किसी ने रिप्लाई किया, इस लुक पे तो हम ट्रेन बेच दें। ये रेलगाड़ी रुकी हुई है वरना इस अभिनेत्री के बाल उड़ रहे होते। आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, इस ज्ञान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद वरना इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। और दिखाइए। हेलो मुंबई, आइए कमेंट्स देखते हैं। जब से इन्होंने रनवे 34 में प्लेन गलत उतारा है, ये पीछे बैठ के ही सफर करते हैं। आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, जब तक 50 लोग साथ ना हो मुझे तो मजा नहीं आता। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, भाई या तो तू बस का कंडक्टर है या पॉकेट मार। और दिखाइए। I love this section. जब सफर में आदमी इतना गंभीर दिखे तो समझ जाइए वो भूल गया है वाइफ ने क्या लाने को कहा था। मैं जब चश्मा लगा के कॉफी पीता हूं तो फॉग आ जाता है, आपके भी आता है क्या? आता ही है, सबके आता है। थैंक यू रजनंगरी फिशल फॉर दिस स्टनिंग आउटफिट। रजत टंगरी, वही बेटर था। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप मुझे दो दिखाई दे रही हैं, आप सच में दो हैं या मेरे दो ज्यादा हो गए हैं? पार्टी में मेरी भी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शीशे से बतियाने लगता हूं। और दिखाइए। टू डेज टू गो, इशिता ने ये पिक्चर डाली है, बहुत क्यूट पिक्चर है। आइए देखते हैं कमेंट्स। लॉकडाउन में जब पार्लर बंद थे तो मेरी भी ऐसे ही मूछें आ गई थी। लड़कियां कुछ भी कर ले क्यूट ही दिखती हैं। मैंने एक बार साड़ी पहन ली थी, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। दिखाइए। और तब्बू जी ने फोटो डाला, अनीस भाई ये ताज आपके सर #thankyou। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट। ताज की तो उनको खुशी है लेकिन आपने जो उनको भाई बोला है उससे उनका मुंह सड़ गया।
बैड. ओहो, सुंदर हीरोइन हो तो डायरेक्टर अपना काम छोड़ के हीरोइन के बाल बनाने लगता है. इनकी जगह अगर राजपाल यादव का मेकअप खराब हुआ होता तो कभी ना आते. What a true line. अनीस सर डायरेक्टर अच्छे हैं लेकिन हेयर ड्रेसर कैसे हैं ये तब्बू जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है. और दिखाइए. Fasten your seat belt, let's go rooming. आइए कमेंट्स देखते हैं. जब हाईवे पे बाथरूम ना मिले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कच्चे रास्ते पे उतर आते हैं. टोल के 70 रुपए बचाने के चक्कर में खेतों से होकर जाता आदमी. इतिहास गवाह है बीवी की और गूगल मैप की ना सुनो तो इंसान ऐसे ही भटकता है. बहुत ही अच्छा ज्ञान है. आइए और देखते हैं. श्रिया ने फुट डाला टू पीटर बर्ग्स विद लव. लुइजोवा, आप सारे आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं? नाम ही नहीं लिया जाता हमसे. मुंह में स्पेलिंग फंस गया. लुई मेरे मुंह से निकला तो जोवा अटक गया. पहले भी आपने कुछ लिखा था. तब्बू जी ने पकड़ लिया. वो क्या लिखा क्या था आपने पहले वाले फोटो पे? हमारा कोई फ्रेंड नहीं लुइजोवा. हमारे रमेश सुरेश ऐसे ही नाम है. क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के फ्रेंड भी ऐसे होते हैं. श्रिया, श्रिया का फ्रेंड लुइजोवा. वाओ. अर्चना पुरन सिंह फ्रेंड मंगल सिंह. ओहो, आइए देखते हैं कमेंट्स. मंगल सिंह, who's मंगल सिंह? मैंने भी एक लड़की की बिना पूछे फोटो ली थी, फिर उसने भी ठीक ऐसे ही अपनी सैंडल उतारी थी. और दिखाइए. पीटर्सबर्ग है तो पीटर कहाँ है? किसी ने रिप्लाई किया, ऐसे तो जोहान्सबर्ग में भी जॉन कहाँ है? फिर कानपुर के भी कान कहाँ है? तुम दोनों की ऐसी बातों की वजह से ही चप्पल उतार रही हैं वो. वैसे क्यों उतार रही थी श्रेया आप सैंडल? फोटोग्राफर ने बोला था अच्छी फोटो आएगी लो एंगल से. लड़कियों को बड़े आते हैं, हमें नहीं आता. हम तो ज्यादा ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं. हम अगर अगली बार मैं भी ऐसे करूंगा. नाइस पोज एक्चुअली. और दिखाइए कमेंट. I love this section of the show. यही खेले सारा. इशिता ने फोटो डाला है. टारगेट पीले रंग का कुछ, उसके बाद टारगेट लॉक्ड, फिर लाल रंग का कुछ. आइए देखते हैं कमेंट्स. इनका निशाना ढंग से नहीं लगा इसलिए फोटो डाली है. लग जाता तब ये वीडियो डालती. फैक्ट. फैक्ट. नाइस. मेले में तीर चला के तो सिर्फ चिप्स का पैकेट जीतोगी. मुझ पे प्यार का तीर चलाओ, किराने की दुकान है, कुछ भी ले लेना. वाह. और दिखाइए. बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड. अंधाधुन. लवली मूवी. हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छी. ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस तब्बू. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. या हमें क्या बता रही हैं, हम तो माचिस के समय से फैन हैं इनके. हाँ हाँ, लग ही रहा है तू. हमारी तरफ तो देखती भी नहीं. आप कमेंट्स पढ़ते हैं. मैं अपना भूत और भविष्य साथ साथ देख रहा हूँ. रिप्लाई आया भूतनी के, वो मास्क बेचने वाली नहीं है, तब्बू जी हैं. आप हेलोइन पार्टी कर रही हैं तो मुझे भी बुला लें, मैं बिना गेटअप के भूत लगता हूँ. दिनेश तूने लिखा है कमेंट. और आगे खत्म. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.